अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सब हमारी गलती है भाई, हमारी गलती का नतीजा हमारी बच्ची को भुगतना पड़ रहा है भैया। सौरभ जी, हमारी बच्ची हमसे छीनने जाएंगे सब। जब तक तेरा भाई जिंदा है, तेरी बच्ची को तुझसे कोई छीन नहीं सकता। भी एक आइडिया है, अगर आरती दी के बच्ची को आप लीगली कस्टडी में ले लेते हैं, आई मीन लीगल अडॉप्शन, तो आरती दी के बच्ची भी इस घर में रहेगी आरती दीदी के पास, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आरती दी तैयार है तो हाँ भैया, नंदन शायद सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार कराता हूँ। लेकिन भैया, इसके लिए तो आपको शादी करनी पड़ेगी बाय गॉड की कसम। अब सुमन दीदी होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन आप तो सिंगल है ना, और किसी सिंगल का किसी बच्ची को गोद लेना इलीगल होता है। वो क्या है ना, मेरी बहन है ना संध्या, वो वकील है, इतना तो मैं जानती हूँ। क्यों ना हम उसको यहाँ बुला ले, वो ना ये कोर्ट कचहरी के काम हमें बहुत अच्छे से समझा देंगी। अरे कोई जरूरत नहीं है इस सब का, हम तो कहते हैं कि दामाद जी और आरती एक साथ मिल जाएं वापस, बच्चे को माँ और बाप दोनों मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। अगर सुमन होती तो हर उलझन सुलझा लेती, आज उसकी बहुत याद आ रही है। उसकी कमी को पूरा करने के लिए तो ये सब कर रहे हैं नंदन। अगर आरती दी के बच्ची को आप लीगली कस्टडी में ले लेते हैं, आप तो सिंगल है ना, और किसी सिंगल का किसी बच्ची को गोद लेना इलीगल होता है। अरे कोई जरूरत नहीं है इस सब का, हम तो कहते हैं कि दामाद जी और आरती एक साथ मिल जाए वापस। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें उस नीच सौरभ के हाथों में नहीं जाने दूंगा। मुझे संध्या से मिलने पटना जाना ही होगा। जो नंबर इसने बताया उस पर कॉल करके देखता हूं, शायद इनकी फैमिली की कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। हेलो, मैं शुभम बोल रहा हूँ, एबीसी बैंक से। हमारा बैंक आपको 5 लाख तक का पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। नॉट इंटरेस्टेड। शायद कोई डिजिट गलत है इसमें। इसे पटना ले जाना होगा, सुबह बुलाता हूं एम्बुलेंस को। बिग बी, आपने ये जो फैसला लिया है सोच समझ के लिया है ना? हाँ बेटा, तुम्हें तो पता है तुम पे किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं है। जो भी फैसला लेना सोच समझ के लेना, तुम्हारे हर फैसले में हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने जो फैसला लिया है
वो अपनी भांजी के लिए लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुमन के लिए मेरा इंतजार खत्म हो जाएगा। वो इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। आप लोग मुंह मीठा कीजिए, बाइकॉट में तो 6 महीने से यही चाह रही थी। भैया मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली आप ना आपकी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप, मैं ना संध्या जी को फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप उनसे मिलने पटना आ रहे हैं। मैं निकलता हूँ। ध्यान से जाना बेटा। इसे हो जाएगा तब इसे मंगल सूत्र दे दूंगा, इससे शायद इसे बहुत हौसला मिलेगा। रिलैक्स, तुम पैनिक मत करो, हम तुम्हारे बेटर ट्रीटमेंट के लिए पटना जा रहे हैं। क्या भागलपुर? भागलपुर से हो तुम? तो बहुत अनईजी फील कर रही है। विंडो खोल दो। एम्बुलेंस को अचानक से क्या हो गया? लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। क्या हुआ? सर गाड़ी खराब हो गई है। देखो तड़के में आता हूँ। ठीक है, ओके सर। ये ब्रेक को अचानक से क्या हो गया? Oh!
देखिए पलकों की छांव में टू सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।